हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग आज अगला टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं और फिर इसको धीरे धीरे समझते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, यानी नाइट्रोजन फैमिली का रासायनिक गुणधर्म जानेंगे। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म रखने से किस प्रकार से रिएक्शन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो पहला जो स्टेज होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेज। ठीक है, इसको सेक्टर वाइज हम लोग इसको पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेज, ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट हम उसे कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटम, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने तथा एड करने की जो टेंडेंसी रखता है उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एड करना या तो फिर बाहर निकालने की जो टेंडेंसी रखेगा उसी को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन करता है वो माइनस चार्ज दिखाता है और जो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालता है वो प्लस चार्ज शो करता है, तो वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट द कॉमन है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वह है माइनस थ्री प्लस थ्री एंड प्लस फाइव है। ठीक है, फिर हम लोग इसकी वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, कि वेरिएशन किस प्रकार से करेगा। अगर मान के चलिए अगर माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का है तो वह ऊपर से नीचे यानी नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मत तक आने में यानी माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है? ठीक है, वो घटता है स्टेबिलिटी या बढ़ता है, वो चीज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर द स्टेबिलिटी ऑफ माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये डाउन द ग्रुप इसका मतलब हुआ टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम में आने पर क्या होगा कि इसका माइनस थ्री का जो टेंडेंसी है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो क्षमता है ऊपर से नीचे आने में यानी ग्रुप में क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या कह रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप इसका मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा कि माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर हमने इसको दिखा दिया है नाइट्रोजन टू बिस्मत। ठीक है, यानी नाइट्रोजन से बिस्मत की ओर अगर हम लोग जाएंगे इसकी जो माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है वह कम होता चला जाएगा। इसका कारण क्या होगा? देखिए, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटालिक करेक्टर। ठीक है, इसके साइज जैसे जैसे आप देखोगे कि नाइट्रोजन से बिस्मत की ओर आएंगे तो ऑर्बिट का संख्या बढ़ता है यानी सेलों की संख्या बढ़ता चला जाता है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो है दूर होता चला जाता है न्यूक्लियस से, तो क्या होगा, लूज होगा, और लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता ना होकर के वह लूज करने की क्षमता को बढ़ाएगा और गेन करने की क्षमता को कम करेगा। इसीलिए यहाँ पर इसको लिखा गया है कि ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉन जैसी बात है लूज होगा और लूज होगा तो इससे बाहर आसानी से निकाला जा सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता कम होता चला जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, मेटालिक करेक्टर बढ़ने के कारण से। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग नाइट्रोजन से बिस्मत की ओर आते हैं तो इसका मेटालिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता है मेटालिक करेक्टर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है द स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, कहता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, ये भी क्या हो रहा है कि प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी स्टेबिलिटी कम होता चला जाएगा जैसे डाउन द ग्रुप में जाएंगे, यानी नाइट्रोजन से बिस्मत की ओर जाने पर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन, प्लस फाइव ध्यान रखना, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता चला जाएगा, जबकि बट है ना, परंतु द स्टेबिलिटी ऑफ
प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, है ना। ये डाउन द ग्रुप में क्या होगा कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा। इसका कारण क्या होगा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण से। तो आप हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये इनर्ट पेयर होता क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में ये दो एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि इनर्ट पेयर होता क्या है। देखिए, सपोज दैट यह एक कोई एटम है, स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एंटीमनी लिया है और यहाँ पर बिस्मथ लिया है। आप जैसे जानते हैं कि बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है, ये फर्स्ट ऑर्बिट मान लीजिए, ठीक है, ये प्लस चार्ज है इसका न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे हम लोग यानी टॉप टू बॉटम में आते हैं तो ऑर्बिट बढ़ता है, तो एंटीमनी में इसके ऑर्बिट कितने जाते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5 ऑर्बिट हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बिस्मथ उसके नीचे जस्ट नीचे है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका यानी एटॉमिक जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट जो है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वह 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर ऑर्बिट बढ़ गया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बेसिकली इनर्ट पेयर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बाह्य कक्ष में जो s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम बाहर में इसको दिखा दिए हैं दो इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करता है कि न्यूक्लियस की ओर खींचा चला जाता है, ठीक है, और इनर्टनेस शो करता है। इनर्टनेस का मतलब निष्क्रिय शो करता है, ठीक है, और ये निष्क्रिय शो करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना कठिन होगा, ठीक है, बाहर निकालना कठिन होगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं, तब क्या होगा कि इसमें जो तीन इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से रिलीज कर जाएगा, जिससे प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, यानी बढ़ा देगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, ये जो सिक्स ऑर्बिट में यानी 6s और 6p को दर्शाया गया है, तो यहाँ पर जो 6s पर दो इलेक्ट्रॉन है वह क्या होगा कि न्यूक्लियस की ओर खींचा चला जाता है, जिसको हम कहते हैं इनर्टनेस, ठीक है, यही इनर्टनेस कहलाता है। इनर्टनेस का मतलब होता है निष्क्रिय, ठीक है, इनर्टनेस निष्क्रिय, तो निष्क्रिय हो जाएगा, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाएगा तो ये मजबूती से न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाएगा और ये तीन इलेक्ट्रॉन और लूज हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके साथ कुछ यानी अपना इंट्रैक्शन शो कर रहा था वो कम हो जाएगा, जिसके कारण से ये तीन इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से बाह्य कक्ष से निकाला जा सकता है, जिसके कारण से ये भी क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्लस थ्री स्टेबलाइज करेगा आसानी से, ठीक है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज कर रहा है, जबकि ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इंक्रीज कर रहा है कि इनर्ट पेयर नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो इसका तीन इलेक्ट्रॉन जो बाह्य कक्ष में होता है वो लूज हो जाता है, जिसके कारण से प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबलाइज कर जाता है और प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो गया, तो ये क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो थैंक यू, मुझे लगता है कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग कमेंट मारते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, है ना, तो ये जो है मेरी उत्साह बढ़ेगी और मैं आप लोग को अच्छे से अच्छे यानी कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।